तो गाइस लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जॉम्बी वायरस पूरे लॉस सैंटोस में फैल चुका था और मैं लास्टोबिया सिंचन और कर्नल यहां पे बच के आ चुके थे गाइस। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यार लॉस सैंटोस में जो लोग जॉम्बी वायरस से बचे होंगे उन लोगों को भी तो बचाना पड़ेगा हम लोग को यार। अरे बिल्कुल सही बोला गाइस, यार हमें उन लोगों को बचाना पड़ेगा। कर्नल बताओ ना हम क्या करें। अरे यार ये बात तो बिल्कुल तुमने सही बोली फ्रैंकलिन, मेरे पास तो इतना दिमाग नहीं है लेकिन तुम तो बहुत स्मार्ट हो यार, तुम कोई आइडिया दो ना। गाइस यार मैंने इन सबको फालतू में लेके आया हूँ, सारा का सारा काम मुझे ही करना है तो इनको लेके क्यों आया हूँ मैं यार। उड़ी बाबा एक काम करता हूँ, यहाँ पे जितने भी वेपन है उन सब की नोटिंग मैं करूंगा। अरे भाई साहब वेपन नहीं, लॉस सैंटोस में जो लोग बचे हुए हैं जोम्बीज से उनको कैसे बचाए। और यार जोम्बीज बड़े तेजी से फैल रहा है लॉस सैंटोस में, उसको भी रोकना है हम लोग को फटाक से गाइस। अरे यार ये बात भी बिल्कुल सही बोला है गाइस, यार इस बार की जोम्बी बहुत अलग है और पावरफुल भी है, उनको कितना भी मारो वो मरते ही नहीं है यार। गाइस वैसे जोम्बीज से बचने के लिए हमारे पास पावरफुल हथियार भी है और ये खतरनाक एरोप्लेन भी है गाइस, इनमें पूरा फुल वेपन लोडेड है जिससे हमारा जोम्बी तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यार लॉस सैंटोस की जनता को वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको काट के वो लोग जोम्बी बना सकते हैं। सी उन लोग को बचाने के लिए हम लोग कुछ करना पड़ेगा। ए, नीचे उतरो, ऊपर क्यों खड़े हो, नीचे उतरो, चलो चलो फूट जाएगा। गाइस ये कर्नल डांट रहे हैं, ये क्या पता फट जाएगा इसीलिए। तो गाइस एक काम करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, हमको प्लान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। गाइस देखो ये वाला एरिया बहुत सेफ है तो एक काम करते हैं, मैं और सिंचन जाते हैं लॉस सैंटोस और लॉस सैंटोस से जो जो लोग जोम्बी नहीं बने उन लोगों को यहाँ लेके आते हैं। और जब तक कर्नल अपने बाकी लोगों को यहाँ पे बुलाकर यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखना। अरे हाँ हाँ एक काम करता हूँ, मैं कैंप से बहुत सारे फौजियों को बुलाता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ, ठीक है गाइस। ठीक है तो काम हम लोगों ने बांट लिया है, कर्नल और लेस्टर यहाँ पे ध्यान रखेंगे और कई फौजियों को बुलाकर यहाँ पे की सेफ्टी बढ़ाएंगे और मैं और सिंचन जाएंगे और हम लोग वहाँ से लॉस सैंटोस की जनता को बचा के लेके आएंगे। अरे हाँ हाँ जल्दी है, बहुत हो गया भाषण, तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे। अरे फेंगी भाई मैं प्लेन उड़ाऊँ क्या। अबे भाई सब हम लोग को बचाने जाना है, मरने नहीं। गाइस इसके ऊपर भरोसा तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं है, एक काम करता हूँ। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा कर्नल, लात ही मारना पड़ेगा। लात क्यों मार रहे पागल हो क्या। अरे सही में ये पागल है गाइस, देख रहे फेंगी भाई प्लेन में लात मार रहे हैं और लात मार रहे हो, अगर वो टूट गया तब। गाइस देखो एरोप्लेन यहाँ से तो डायरेक्ट उड़ नहीं पाएगा, हम लोग को स्टार्टिंग से एक बार रनवे पे फिर से भगाना पड़ेगा स्पीड में। तो एक काम करता हूँ पहले आराम आराम से इसको टर्न लेता हूँ फिर इसको फुल स्पीड में उड़ाएंगे। अरे यार मैं तो कहूँ मुझे दे दो गाइस, अगर फेंगी भाई ने मुझे एक मौका दिया ना तो मैं ऐसे उड़ाऊंगा, ऐसे उड़ाऊंगा डायरेक्ट स्पेस पे जाके रुकूंगा यार। अबे भाई साहब हमें लॉस सैंटोस को बचाना है स्पेस को नहीं, गाइस कितना पागल हो रहा है। तो ठीक है एक दो और तीन। अरे यार अरे बहुत ज्यादा हवा लग रही है यार मेरे चेहरे पे। गाइस इसके अंदर तो वेपन भी है भाई साहब, एक बार वेपन ट्राई करके देखोगे सिंचन। अरे करो करो मैं भी तो देखूं। गाइस देखते हैं ये वेपन कैसे काम करता है। अरे फायर करो ना बटन दबाओ। अबे कौन सा बटन है, ये लाल वाला है कि हरा वाला। अरे वो लाल वाला, ये देखो। गाइस क्या वेपन लोडेड, एक नंबर का खतरनाक, मतलब इससे तो कोई जीत ही नहीं सकता भाई साहब। अरे चलो चलो जल्दी चलो गाइस, हमें लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा और आराम से लैंड करना यार, मैं गिर जाऊंगा। गाइस ये जब तक मुझे पागल ना बना देना जब तक चुप नहीं रहेगा। तो गाइस आप लोग मुझे पागल नहीं बनाना चाहते तो इसी बात में वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चाहते हो हम पूरी लॉस सैंटोस को बचा ले तो लिख दो सेव द लॉस सैंटोस यार। अरे हाँ गाइस यार आप लोग कमेंट में लिख दो सेव द लॉस सैंटोस पीपल ताकि हम उनको जल्दी जल्दी बचा लें। अरे अरे ये कार थोड़ी ना है जो ड्रिफ्ट मार रहे हो। गाइस गाइस अभी तो मैंने बिल्कुल चारों तरफ पलटाई दिया था लेकिन वो तो हम बच चुके। सामने गाइस कुछ लोग दिख रहे हैं, वो जॉम्बी तो नहीं सिंचन, मेरे को डर लग रहा है। भागो अब तो जॉम्बीज प्लेन चलाने लग गए यार। अरे भागो रे भागो, जॉम्बी आया जॉम्बी। गाइस ये जॉम्बी चला रहे हैं, एक मिनट। अबे मैं जॉम्बी नहीं हूँ, तुम लोग तो जॉम्बी नहीं हो ना। अरे नहीं हम जॉम्बी नहीं है। अरे हम जॉम्बी नहीं लेकिन तुम जॉम्बी, तुम हमें काट लोगे। अबे भाई साहब पागल हो गया, मैं जॉम्बी नहीं हूँ, इधर आओ इधर आओ। मैं हूँ था फ्रैंकलिन जॉम्बी इंस्पेक्टर, एक काम करो तुम लोग यहीं पे रहना, मैं ना पूरे लॉस एंजल्स के लोगों को बचा के आऊंगा और तुम लोग हमारे साथ वापस चलना, ठीक है ना। अरे ठीक है भाई साहब थैंक यू। ओ भाई कितने अच्छे लोग हो आप। कहाँ लेके जाओगे हमको। मैं लेके जाऊंगा तुम लोगों को, हमारा एक सेफ आइलैंड है जहाँ पे हम लोगों को बचा के वहीं पे रख रहे हैं, इसलिए मैं अभी लॉस सैंटोस के लोगों को लेके आता हूँ, ठीक है। अरे हाँ हाँ ठीक है जल्दी चलो। तो गाइस यार ये गाड़ी हमारी तो नहीं है, किसी अमीर आदमी की होगी, शायद वो ज़ॉम्बी बन गया हो तभी उसकी गाड़ी यहीं रह गई है। अबे यार हम लोग को अभी ये गाड़ी वाड़ी नहीं देखना, हम लोग को अभी लॉस सैंटोस को बचाना है गाइस। लेकिन जो हमारा वो पहले वाला ज़ॉम्बी जो बचा हुआ था उसने लॉस सैंटोस में इतनी तबाही मचाई है ना क्या ही बताऊं, इतनी जल्दी कोई ज़ॉम्बी वायरस फैला कर सकता है मुझे ये भी नहीं पता चला अभी तक गाइस। अरे मुझे लगता है इसके पीछे यार किसी का हाथ और पैर और सर सब कुछ है यार। गाइस ये सब छोड़ के
उस जोमी का पूरा शरीर है। एक एक मिनट गाइस, जैसे हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले और दर्शन हो गए हमारे जोम्बीज के, अरे खाऊंगी आ जा यार, ये लोग यही बोलते रहते खाऊंगी खाऊंगी, इतने बड़े भूखे रहते। लेकिन गाइस ये लोग एयरपोर्ट के आगे क्या कर रहे हैं, कहां जाएंगे? अरे जोम्बीज तुम कौन से प्लेन में बैठने वाले हो यार, प्लेन उड़ना बंद हो चुके हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? खाएंगे। अरे शांत हो जाओ यार भाई साहब, इनको तो खाने के अलावा कुछ नहीं आता, और एयरपोर्ट के आगे ऐसे खड़े जैसे कि आज कहीं जाने वाले घूमने के लिए। अरे वही तो गाइस यार, ज़ॉम्बी तो ऐसे रह रहे हैं जैसे इंसान रहते हैं, बिल्कुल एकदम अलग यार, और इस बार तो ये लोग बहुत पावरफुल भी बन चुके हैं यार। वैसे गाइस यार मैं ये बात सोच रहा था, लॉस एंजेलिस की जनता को मैं इस गाड़ी के अंदर तो लेके जा नहीं सकता। वेट, वहाँ पे एक बस दिख रही है, एक काम करता हूँ गाड़ी को छोड़ता हूँ और बस को उठाता हूँ, इस बस के अंदर काफी ज्यादा लोग आ जाएंगे तो जाने में आसानी होगी गाइस। अरे बिल्कुल सही बोला फेंगी भाई, जल्दी जल्दी चलो। ए यार ज़ॉम्बी कितने तेज हो यार, जैसे हमें देखते हो हमारे पीछे आ जाते हो यार। अरे सही में पागल है फेंगी भाई, जल्दी चलो बस के अंदर यार। अरे ये तो मरी नहीं रही यार, जल्दी जल्दी चलो अंदर। गाइस मैं इनको गोली मार रहा हूँ लेकिन एक गोली से इनको कुछ भी नहीं हो रहा, फटाक से यहाँ से निकलना पड़ेगा। सिंचन जल्दी बैठ, ड्रामा मत कर इनके आगे। अरे यार मुझे भी तो कोई काम दो गाइस, सिर्फ बैठने का काम देते हो। अरे मुझे बस चलाने का काम देते यार, बहुत बढ़िया से करते हैं। मैं गाइस देख रहे हो ज़ॉम्बीज के ऊपर मैंने बस चढ़ाया, बस पलटने से रह गई, मतलब इस बार के ज़ॉम्बीज कुछ ज्यादा ही पावरफुल है गाइस। अरे यार कहीं ये सुपर हीरो ना बन जाए ऐसे करते करते यार। नहीं यार सुपर हीरो तो नहीं बन सकते, लेकिन सुपर विलन तो जरूर बन जाएंगे ऐसे करते करते गाइस। अरे यार बिल्कुल सही बोला। अरे फेंगी पे देखो लॉस एंजेलिस का हेल वापस वैसे ही हो गया है यार। गाइस ऐसे ना मैं लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा, एक काम करता हूँ रोज चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, जो लोग ज़ॉम्बी नहीं बने ना वो लोग यार स्कूल के पास आ जाओ। अरे भाई यार फेंगी पे बहुत बढ़िया आइडिया है, चलो चिल्लाना शुरू करते हैं। अरे सुनो सुनो, जो भी ज़ॉम्बी नहीं है वो स्कूल के पास आ जाओ, हम लोग ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, स्कूल के पास आ जाना सब लोग। गाइस यार एक बार मैं भी बोल देता हूँ, जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हो सबके सब सुन लो, सभी लोग को मैं बचाने आया हूँ, रेस्क्यू करने आया हूँ, मैं हूँ द फ्रैंकलिन और मैं बचाऊंगा पूरे लॉस एंजेलिस को। तो जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं वो लोग फटाक से आ जाओ, कहाँ पर? स्कूल पर। तो गाइस आप लोग भी कमेंट में लिख दो कहाँ पे जाना है, स्कूल में, इन लोग को पता चल जाए। ऑल राइट गाइस एक काम करता हूँ, अभी मैं लॉस एंजेलिस के बीचों बीच आ गया हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ से बाहर निकलता हूँ और बस के ऊपर चढ़ के पूरा अनाउंस कर देता हूँ कि सभी के सभी आ जाओ स्कूल में। अरे जल्दी आ जाओ स्कूल में, जो भी हमारे बातें, अरे ज़ॉम्बी आ गई रे गाइस, पहले ऊपर चढ़ते हैं बस के, जो भी सुन रहा है सब सुनो जल्दी। ये डॉगी मुझे कुछ ज्यादा तंग करते हैं, इनको तो मैं छोड़ने का मन नहीं करता। अरे बस बस छोड़ो यार गाइस मेरी बातें, जो सुन रहा है जल्दी सुनो, सारे स्कूल पे आ जाना, हम तुमको लेने आए हैं, बचा लेंगे सबको, हम लोग आपको बहुत सेफ जगह जाएंगे। चलो फेंगी पे सबको आवाज चली गई होगी यार। एक मिनट गाइस, ये लोग हमारी बातें तो नहीं सुन रहे, क्या पता ये लोग भी स्कूल में पहुंच जाएं और फिर सारा काम तमाम कर दे यार। अरे वो बात भी बिल्कुल सही बोला है, लेकिन ज़ॉम्बी के पास दिमाग थोड़ी ना होता है, इनके पास सिर्फ दम आया है, दिमाग तो हमारे पास है ना यार। गाइस ये वाली बात तो सिंचन की काफी बढ़िया, ये देखो जैसे ही मैं नीचे आया नहीं इन लोगों ने अटैक पहले कर दिया। सिंचन चल बिना लेट के जल्दी जल्दी चलते यहाँ से। अरे जल्दी चलो यार, बिल्कुल सही बोला आपने गाइस, हमें यहाँ से निकलना चाहिए और लॉस एंजेलिस की स्कूल में सब लोग आ गए होंगे, जल्दी जल्दी चलाओ गाड़ी को। गाइस अभी देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर क्या रुके हुए थे, सारे के सारे ज़ॉम्बी सोच रहे थे हमें खा लेंगे। इस बार तुमको खाऊंगा नहीं, पूरा खाऊंगा। गाइस ये लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यार मैं हूँ फ्रैंकलिन द ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर, आप लोगों को तो पता ही है लेकिन इन लोगों को नहीं पता। अरे फेंगी भी आप ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर हो तो मैं क्या हूँ? अबे तू कुछ नहीं है, तू मेरा असिस्टेंट है। गाइस यहाँ पे भी अगर अनाउंस कर देता हूँ, अबे जो भी ज़ॉम्बी नहीं बने ना सबके सब आ जाओ कहाँ पे, स्कूल में। गाइस इनको कमेंट में जरूर बता दे रहा और हम लोग स्कूल की तरफ निकलते हैं। ऑल राइट गाइस अभी हम लोग स्कूल की तरफ तो आ चुके हैं लेकिन यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, तो मुझे नहीं लगता यार कोई यहाँ पे आया होगा बचने की उम्मीद से, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बीज हैं, डर के मारे सब घर वापस भाग गए होंगे सिंचन। अरे यार ऐसे मत बोलो, कोई आया है कि देखो ग्राउंड में कोई है क्या? गाइस पहले स्कूल के अंदर भाई बचाओ, ए भाई बचा लो हमको। गाइस यहाँ पे मैं घुसा तो हूँ लेकिन अभी तक वो तेरी सबके सब छत के ऊपर है गाइस। अरे भाई आ जाओ, हम गेट खोल देंगे भाई, हमको बचा लो भाई, आ जाओ ऊपर प्लीज भाई। गाइस गाइस अभी ये लोग तो आ चुके हैं, ए भाई हमको बचाओ, ये ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर बचा लो। ऊपर हम लोग ऊपर सेफ है, नीचे ज़ॉम्बी आ, जल्दी आओ ना भाई। अरे 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 वैसे गाइस ऊपर तो हम लोग आ चुके
और इतनी सारी भीड़ आई है लॉस एंजेलोस से, मतलब इन लोग को हम पे ऊपर भरोसा था। अरे यार हमें तो लगा तुम नहीं आओगे, लेकिन यार तुम लोग हमारी मदद करने आ गए। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे सर आप प्लीज हमें बचा लीजिए, प्लीज हमें यहाँ से ले जाइए सर प्लीज यार। अरे हाँ हाँ मैं आप लोग को बचाने ही तो आया हूँ। गाइस एक काम करते, इतने सारे लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे एक साथ, जितने नीचे वाली बस में आ जाएं उतने बैठ जाओ, और जो बच जाएंगे उन लोग को बाद में कर्नल बचा लेंगे। और गाइस देखो बस तो हमारी ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन इतनी है कि काफी लोग चले जाएंगे, तो फटाक से बैठ जाओ नीचे तब जाके। अरे हाँ हाँ ठीक है चलो अंकल आप लोग बैठो फटाक से। तो गाइस अभी सब लोग बैठ गए हैं, और गाइस सुनो जो जो अभी नहीं बैठे हैं ना कर्नल आते एक घंटे में और बस भेजेंगे, आप लोग आराम से आ जाना ठीक है। गाइस इनके बारे में कर्नल को मैं बता दूं। अरे थैंक यू आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो, आपका भला हो यार। अरे जरूर आना यार हमको बचाना है, उम्मीद में रहेंगे। अरे टेंशन मतलब जरूर बच जाओगे आप लोग। गाइस देखो बस के अंदर काफी लोग बैठ चुके हैं, और जो अंदर नहीं बैठे वो ऊपर बैठ चुके हैं, और ये लोग कुछ लोग बाहर। अबे जल्दी बैठ जाओ, ज़ॉम्बी से डर नहीं लगता क्या तुमको? अरे सर बैठ रहा हूँ। अरे जल्दी बैठो ना यार। अरे आप बैठो अंकल, मेरी टेंशन मत करो। गाइस यार मैं ऊपर लटक जाऊंगा, और बाकी आप लोग बैठो यार सीट में। गाइस ये बात ना ऐसे मत करा करो, अबे जल्दी बैठो, सबको हो क्या गया है जल्दी। अरे ठोकना ही पड़ेगा तुम लोग को लग रहा है। अरे सर ठोकिए मत, बैठ रहा हूँ, दो मिनट रुक जाइए। बैठ रहा हूँ, मेरे पैर में दर्द है ना इसीलिए नहीं बैठ। अरे मुझे क्यों ठोक रहे हो? गाइस सही में लगता है फ्रैंकी पे ज़ॉम्बी बन गए हैं। अरे ज़ॉम्बी बन गए हो क्या? ज़ॉम्बी तो नहीं बन रहा, लेकिन मैं पागल जरूर बनने वाला हूँ। जल्दी बैठ यार, इतना लेट क्यों करवा रहे हो? तो गाइस अभी मैं बैठ गया हूँ और ज़ॉम्बी आ गए लगे हैं, तेरे जल्दी भागो यहाँ से, खा लेंगे तुमको। अबे खाएंगे, पकड़ो इसको, पकड़ो बस को पकड़ो। अरे गाइस यार बस से ज्यादा दम है कि ज़ॉम्बी में, जल्दी जल्दी चलो यहाँ पे, ये लोग तो पागल कर देंगे हमको। इन लोग को मैं लेके निकलता हूँ सीधे। सर अगर आज आप नहीं आती तो मेरे घर में तो ज़ॉम्बी आ ही गए थे, वो तो मैंने बैग पैक किया और फटाक से स्कूल में आ गया। थैंक यू सर। अरे वो कोई बात नहीं, आप लोग को बचाना मेरा काम है, उसी में तो मेरा नाम है गाइस। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से बिल्कुल सेफ लेके इन लोग को एयरपोर्ट चलता हूँ, और एयरपोर्ट से सीधे उड़ेंगे और चलेंगे अपने सीधे सेफ बेस कैंप में गाइस। अरे गाइस अभी हम लोग एयरपोर्ट वाले एरिया में आ गए, और देखो पूरी बस कितनी खतरनाक हो रखी है यार, हर तरफ ज़ॉम्बी, खून, पानी। अरे सब भाई थोड़ा धीरे चलाओ, गिर जाएंगे हम लोग। अरे अगर धीरे चलाएंगे तो ये ध्यान रखना ज़ॉम्बी हमको चला देंगे यार। गाइस एक मिनट, जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो ए यार यहाँ देखो पहले से ज़ॉम्बी है। अरे एक मिनट का, इन लोग को ठोकते ठुकाते हुए जैसे ही मैं अंदर जाऊँ गेट बंद कर देना। हाँ सर जाइए आप लोग। तो गाइस अभी गेट बंद हो गया और हम लोग अब सेफ हैं। एक काम करो फेंगे बड़ी वाली प्लेन लो और यहाँ से निकलते हैं। गाइस वैसे एयरपोर्ट भी काफी ज्यादा सेफ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने का सामान और रहने पीने का सामान कुछ भी नहीं है। ज़ॉम्बी अटैक हो सकता है, क्योंकि यार एयरपोर्ट की दीवार उतनी ऊंची नहीं है यार। हाँ वैसे ये बात भी सही बोला, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट से अरे राम से। तो गाइस हम फटाफट बैठते हैं, चलो सब लोग उतरो लाइन से, समझे क्या? गाइस फटाक से उतर जाओ और इस वाले एरोप्लेन में बैठ जाओ। यहाँ से हम लोग निकल के जाने वाले हैं सीधे जहाँ पे कर्नल और लेस्टर दोनों के दोनों हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस बिना लेट किए बैठ जाओ सबके सब। यस सर अभी बैठ रहे हैं हम लोग। यस सर अभी बैठे हैं। अरे सर अभी बैठे। अरे सर अब बैठ रहे। तो कुछ सर हम लोग बैठ गए, आप लोग चलाइए। गाइस मैं और सिंचन यहाँ पे पायलट है, और मैं को पायलट हूँ यार। अरे हाँ बोल दिया मैंने, तो को पायलट है। गाइस यार फेंगी बे ने आज मुझे ना बस चलाने दिया, ना ट्रक चलाने दिया, ना कुछ चलाने दिया, डायरेक्ट मुझे प्लेन चलाने दिखो दे रही हुई यार, ऐसा क्यों है आज? अरे वैसे सारा कंट्रोल मेरे हाथ में ही है, बस देखो बिठा रखा ड्राइविंग की सीट में, मतलब पायलट की सीट में। गाइस मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा यार, ऐसे क्यों? अरे अभी तू रो मत, ये वाला बटन दबा रेड वाला, देखो ऊपर उड़ेगी। अरे रेड वाला बटन दबा दिया, अरे उड़ गई यार। गाइस देखो सिंचन से मैंने इतना काम बहुत करवा लिया, इससे ज्यादा करवाऊंगा क्या पता क्रैश करवा दे पैरों को। अरे बोलो यार ऐसे मत बोलो, अगर क्रैश होगी तो सब लोग बोलेंगे कि सिंचन ने क्रैश करवा दिया। गाइस यार एक मिनट, मेरे को पहले वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे लेस्टर भैया कर्नल है। ओके गाइस ये देखो समुद्र के। सर थैंक यू, हमें बेस दिख रहा है सर, थैंक यू, आप ना होते तो आज हम लोग ज़ॉम्बी बन जाती यार। अरे ये ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, एक मिनट पहले मेरे को आराम आराम से लैंड करवाने दो। अरे इतने बड़े प्लेन है, कहीं सिर्फ पानी में ना डूब जाए। अरे आराम से बच गई यार। ओ गाइस देखो कितने आराम से नीचे आ गया हूँ मैं, और अभी बिल्कुल सेफ है हम लोग। चलो सब लोग उतरो लाइन से, ज्यादा धक्का मुक्की मत करो, समझे क्या? आराम से उतरो चलो। गाइस देखो मैं उतर चुका, और सारे के
सारे लोग। फ्रैंकलिन इंस्पेक्टर की जय, फ्रैंकलिन ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर की जय। अरे थैंक यू आप लोग शांत रहो, मैं नीचे कर्नल और लेस्टर को देख के आता हूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं। सिंचन तू नीचे रहेगा या हम लोग के साथ आएगा? अरे मैं आता हूँ, चलो अपनी जगह से हिलना मत और किसी भी वेपन को छूना मत, समझे क्या? और हाँ, सबके सब एक जगह खड़े रहना और तहलका मुल्की मुझ भी मत करना, ठीक है ना? तो गाइस अभी हम लोग जाते हैं नीचे। अरे कर्नल कहाँ पे है देखना यार। गाइस इतना बड़ा सिप है ना, किसी को ढूंढने में मुझे 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। अरे 2-3 दिन नहीं लगेंगे यार, इतने भी झूठ मत बोलो, सिर्फ 1-2 घंटे लग जाएंगे यार। गाइस कर्नल कहाँ पे है और लेस्टर? वो देखो गाइस, कर्नल ने काफी लोगों को, अरे उनको डिस्टर्ब मत करो, वो मीटिंग कर रहे हैं, उनको भी छोड़ दो। ओ गाइस देखो, कर्नल ने लेकिन काफी लोगों को बुला लिया है जो यार यहाँ पे सेफ्टी का काम कर सकते हैं, और कर्नल इन लोगों को बता रहे हैं कि कैसे क्या सुनो काम करना। मेरी बात आप लोगों को, हाँ सुनो, तुम राइट में रहना ठीक है, कॉर्नर लेफ्ट में डायरेक्शन में। अरे फ्रैंकी भाई देखो, वो तो बात कर रहे हैं यार। तो गाइस अभी कर्नल को डिस्टर्ब नहीं करते, और नीचे देखो यार पूरा वेपन से लोडेड है। वैसे गाइस लेस्टर भी क्या कर रहे हैं, इनको भी देखना। अरे लेस्टर भी क्या कर रहे हो आप अकेले? उड़ी बाबा, मैं यहाँ पे रिसर्च कर रहा था और मेरे रिसर्च में साबित ये हो रहा है कि ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा हैं और बहुत पावरफुल हैं बाबा। तो अब हम क्या करेंगे, उनको हराना तो पड़ेगा ना। उड़ी बाबा इन वेपन से नहीं होगा, एक काम करना पड़ेगा, हमें मदद लेनी पड़ेगी किसी हीरो की बाबा। गाइस हीरो की मतलब लॉस एंजेलोस में 1-2 हीरो तो हैं, जिसका नाम, ये देखो पहले तो ये कर्नल को देखो कितना रोप से खड़ा है भाई एरोप्लेन के ऊपर। उड़ी बाबा छोड़ो ये सब, मैं लॉस एंजेलोस को कैसे बचाना है ये देखो बाबा। अरे लॉस एंजेलोस को तो हमने बचा लिया है, लेकिन अभी हम लोग को ज़ॉम्बीज को खत्म करना है, और वो एंटीडोट तो पहले वाला काम करने वाला नहीं है, तो हम लोग को कोई नया एंटीडोट बनाना पड़ेगा। उड़ी बाबा मैं तो कहूँ सुपरमैन की मदद ले लो बाबा। अरे हाँ हाँ, सुपरमैन की मदद ले सकते हैं गाइस, क्योंकि सुपरमैन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अरे आज तक मैंने कभी सुपरमैन को नहीं देखा है गाइस, मेरा सपना पूरा हो जाएगा अगर मैं सुपरमैन से मिलूंगा तो यार। गाइस देख रहे हो सिंचन को, उसको मिलना है सुपरमैन से, और ये नहीं देख रहा लॉस एंजेलोस की हालत क्या हो रही है। अरे गाइस यार तो अब क्या करें, फ्रैंकी भाई सुपरमैन से कब मिलने जाएंगे? गाइस चलो ठीक है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सुपरमैन के पास। आप लोग इतने में वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं सुपरमैन हमें मिलते हैं कि नहीं है।